वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। हमारे साथ मिस्टर सौरभ है, हमारे साथ मिस्टर आर्यन है, इन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट करी है। हमारे साथ राजेश कुमार जी हैं, इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। और ये पूरा ट्रेनिंग से पहले की कंडीशन, आपकी कंडीशन, पहले कितने में जॉब कर रहे थे, अब कितने में प्लेसमेंट हुआ है, ये सब आपको बताएंगे। और ये बताएंगे कि ट्रेनिंग लेने का क्या फ़ायदा, मतलब गोपाल सर से ट्रेनिंग लेने से क्या बेनिफिट्स मिलता है सब। एक्चुअली क्या है, इससे पहले मैं चेन्नई में काम कर रहा था, वहाँ पे हमारी जो सैलरी थी 27 थी पर मंथ की। एक्चुअली मैंने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, प्लस एमबीए भी कर रखा है, ठीक है। तो हमारी जो सैलरी थी वहाँ पे 27 थी, तो मैं अपने आप से सेटिस्फाइड था ही नहीं, क्योंकि बहुत कम थी सैलरी थी। तो इसके लिए मैंने इनसे फिर हुई थी, फ़ोन पे हुई थी, बातचीत हुई थी कि हमको ये चीज़ करनी है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, तुम आओ, जो जो तुम्हारे अंदर है और जो तुम्हें कमियां हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला हमको। और अभी हम जेएमटी ऑटो लिमिटेड है जमशेदपुर में, तो वहाँ पे हमारी अभी प्लेसमेंट हुई है। तो वहाँ पे जो हमारी जो अभी पैकेज है 4.5 की है, अप्रॉक्सीमेटली 38 की है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी फील्ड से हो, ये मैटर करता ही नहीं है कि आपने पहले क्या सीखा क्या नहीं सीखा। आप दिमाग में ये रखो कि हम जहाँ भी आए हैं, हम बेसिक से उसको पूरी चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करें। और जहाँ तक हम जितना यदि किसी पॉइंट पे आपको ये फील हो रहा है कि हमको ये इस चीज़ पे, इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपको जो सैलरी मिलती है मंथ, सपोज़ कर लो कि साल में 1000-2000 मैक्सिमम वो तुम्हारी इंक्रीमेंट करेंगे। बट क्या है कि तुम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते जाओगे तो तुम्हारी सैलरी में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट आएगी। ये कंपनी नहीं तो वो कंपनी नहीं तो वो कंपनी, ठीक है ना। तो क्या करना है, अपने आप को भाई स्किल इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो जहाँ तक तुम कर सकते हो। तो अभी जो हमारी जो प्रोफाइल है वो हमारी कॉपरेशन मैनेजमेंट की है, और इससे पहले में जो था वो था प्रोडक्शन सुपरवाइज़र में था। तो वहाँ पे हमारी सैलरी थी बहुत कम थी, तो मैंने अपने आप को इम्प्रूव करके अभी जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट में अभी जा करके काम करना है। आप उस चीज़ के बारे में डीपली अध्ययन करो, पहले अध्ययन कर लो, उसके बाद यहाँ पे आकर के उस चीज़ का डिस्कशन करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगी, जो भी चाहिए वो समझ में भी अच्छा से आएगा, क्योंकि पहले आपने उस चीज़ को पढ़ रखा है और फिर आपने क्लास में आकर के उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश किया। और आप क्या करोगे, अच्छा से अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझोगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी फंडा है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई मायने रखता नहीं है। सबसे बड़ी मायने रखता है आज के इंडस्ट्री में क्या स्किल्स, आपके पास क्या स्किल्स हैं, ठीक है ना, तभी जाके आपकी कहीं भी प्लेसमेंट होगी। तो इसके लिए सिंपल से दिमाग में रखो कि भाई हमको जहाँ तक हो सके अपनी स्किल को अपग्रेड करना है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू टाइम आप अपने आप को अपग्रेड करोगे तो जाके आपकी सैलरी में डेफिनेटली इंक्रीमेंट होगी। यदि आप अपने आप को अपग्रेड करोगे ही नहीं समय के अनुसार, तो आप जहाँ पे हो वहीं पे आप दबे के दबे रह जाओगे, आप उठ ही नहीं पाओगे। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। और मैं यही कहूँगा कि जो इन्होंने कहा शॉर्ट में कि आप अपनी स्किल को अपग्रेड करें, ट्रेनिंग लेने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें, तो आपको और अच्छा आनंद आएगा। आपके पास क्वेश्चंस क्रिएट कब होते हैं, जब हम किसी चीज़ को एक बार पढ़ते हैं फिर दिमाग में प्रोसेस करते हैं, तब क्वेश्चन आता है। इसीलिए जो इन्होंने शब्द कहा कि पहले खुद प्रिपेयर होके, ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले प्रिपेयर हो जाओ, और ऑफलाइन कोर्स करने आने से पहले ऑनलाइन करके रखो। मैं तो यही कहूँगा, अभी भी सर कोर्स करके जा रहे हैं, फिर भी मैंने कहा मेरे साथ अटैच रहना है और बराबर अपडेट करना है और ऑनलाइन छोड़ना नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी। हमारे साथ मिस्टर आर्यन है, इन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट करी है।
और ये बताएंगे कि इसमें इनको क्या फ़ायदा हुआ है, कैसे कैसे बताओ। मैंने हेलो गाइस, मैंने सर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए बस मैं कुछ नहीं, मेरे को बस वहाँ ये काम था कि मैं अपना ज्वाइनिंग लेने के लिए मेरे को प्रोग्रामिंग चाहिए था यहाँ पे। हाँ। तो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मैं बहुत सारा सर्च किया, ये जैसे गूगल पे मैं सर्च किया तो ये बहुत सारा मेरे को आया, पहले मुंबई का एड्रेस तो वहाँ पे सर सही नहीं था, बहुत ज़्यादा फीस था यहाँ पे, 5,000 फीस में गुड़गांव में हो रहा था। मैं कहा कि चलता हूँ एक बार बात करता हूँ सर, यहाँ आया थोड़ा अच्छा लगा मेरे को। मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग आया, प्रोग्रामिंग सीखा, अपना गया इंटरव्यू दिया, क्लियर हुआ, फिर उसके बाद मैं आकर एक महीना फिर अपना कंटिन्यू यहाँ से प्रोग्रामिंग सीखा, अब जा रहा हूँ ज्वाइनिंग करने के लिए। ज्वाइनिंग करने वहाँ से मेरा 3 तारीख को ज्वाइनिंग है। वहाँ से कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है? शारदा यूनिवर्सिटी। शारदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में शारदा यूनिवर्सिटी है, और वहाँ सैलरी क्या लगी है? वहाँ 22,000 रुपये। 22,000 रुपये सैलरी पे इनका सिलेक्शन हुआ, अब ये जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस सर जब प्रोग्रामिंग फंसेगा तो आप हेल्प कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ना बाद में भी सपोर्ट देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्रामिंग फंसेगा तो मैं सर आपको कॉल करूंगा। बिल्कुल सर का नंबर लिया हूँ वैसे, और जो भी दिक्कत होगा मैं बात कर लूँगा सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक महीने के प्रोग्रामिंग में बहुत कुछ होता है, आप लोग जानते ही हैं, सीखिए पहले करिए तो उसके बाद बात कीजिए। ठीक है ओके। ठीक है सर, हमारे साथ राजेश कुमार जी हैं, इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, और ट्रेनिंग के बाद इनको क्या फ़ायदा हुआ जो भी है कैसे क्या है वो सारा डिटेल ये खुद बताएंगे। ट्रेनिंग एक महीने ट्रेनिंग थे, ट्रेनिंग मेरा अच्छा हुआ, फिर यहाँ से हम इंटरव्यू देने गए हैं, कंपनी को बताया था साहिबाबाद में है AIPA एबिलिटीज इंडिया रिंग एंड पिस्टन, तो उसमें मेरा इंटरव्यू HR लिए, मेरा इंटरव्यू 10 लड़का में सबसे अच्छा इंटरव्यू मेरा था, और मेरा फिर उसमें क्वालिटी के लिए सिलेक्ट किया, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, क्वालिटी इंस्पेक्टर के लिए, क्वालिटी इंस्पेक्टर। उसके CNC के बारे में बताए थे लेकिन वो बोले कि नहीं क्वालिटी का लड़का चाहिए। तो मेरा क्वालिफिकेशन था 10+2+ ITI फिटर से, तो उन्होंने मुझे क्वालिटी इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्ट किया। बहुत बढ़िया। सैलरी क्या लगाई उन्होंने? सैलरी सर मेरा अभी 16 लगाया था, फिर जनवरी में हम ज्वाइन किए थे, फिर फरवरी में मेरा 400 लिए दिया, 16,400 प्लस में 2 संडे चलता है तो 1,000 वो हो जाता है, फिर प्रोडक्शन इंसेंटिव 1,200 हो जाता है, तो मिला जुला के 18,500 हो जाता है। 18,500 रुपये 18,500 रुपये पड़ जाता है। आज की डेट में 14 घंटे लगता हूँ मैं काम में, पूरे 14 घंटे। क्यों? क्योंकि चाहत है ना सीखने की, वो अपने आप लगा के रखती है, पैसा नहीं देखा जाता, चाहत देखी जाती है, इंटरेस्ट देखा जाता है। चाहत नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा बोलो? चाहत ही जरूरी है, पैसा तो अपने आप मिलता है, हमें आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, क्यों? चलो बहुत बढ़िया, अभी ये सर्टिफिकेट लेने आए, सर्टिफिकेट इनको हम, ठीक है, थैंक यू भाई।